Hello everyone, welcome again to my channel English Everyday. We are doing these days tenses without tension. In my last videos we have done simple past and simple present. और अगर आपने वो videos नहीं देखी तो please देख लीजिए, उसका link मेरी description में दिया गया है. Today we are going to discuss future. बहुत आसान समझा जाता है future को, लेकिन मैं कहती हूँ फ्यूचर इज़ ए मिक्स्ड फ्रूट जूस, क्योंकि फ्यूचर जो है उसमें बहुत सारे टेंस आते हैं. हम देखते हैं कि पास्ट में कभी विल शैल नहीं आता, प्रेजेंट में भी नहीं आता, लेकिन फ्यूचर में इनडेफिनिट भी आता है, कॉन्टिन्यूस भी आता है, और इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं. और इस चीज़ को मैं आपको समझाने जा रही हूँ एग्जाम्पल्स के साथ. अब हम देखते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, और फिर मैं कहती हूँ कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, और फिर मैं कहती हूँ आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, फिर कहती हूँ कि आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो. इन सब में फ्यूचर है, क्योंकि मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, मैं दिल्ली जाऊँगी और मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा. तो ये फ्यूचर एक्चुअल में है क्या? जो पास्ट नहीं है और जो प्रेजेंट नहीं है वो फ्यूचर है. तो हमें दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, अब ना तो ये पास्ट है ना ये प्रेजेंट है, तो ये क्या है? फ्यूचर है. और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें फ्यूचर होता है, जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा होगी. अब क्या ये क्या है? ये फ्यूचर है, लेकिन इसमें विल और शैल कहीं भी नहीं है. और हम जब बात करते हैं फ्यूचर की तो हमारे मन में एक ही आता है कि सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा, विल और शैल, लेकिन ऐसा नहीं होता. फ्यूचर का यूज बहुत वास्ट है, बहुत एक्सटेंशन है इसकी. तो आज हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ. तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फ्यूचर का जो है स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. वी वन का मतलब है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. अब इस चीज को हम क्लियर करते हैं इन एग्जांपल्स के साथ. जैसे सिंपल फ्यूचर, ही विल गो टू सिनेमा, वो सिनेमा जाएगा. और नेगेटिव में देखेंगे ही विल नॉट गो टू सिनेमा, वो सिनेमा नहीं जाएगा. विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, तो हम इसको वॉन्ट भी बोलते हैं. इंटरोगेटिव में होता है विल ही गो टू सिनेमा, क्या वो सिनेमा जाएगा. और इधर कुछ और एग्जांपल हैं जिसमें आपको शैल दिखा दी है. आई शैल ईट, मैं खाऊंगा. आई शैल नॉट ईट, शैंट बोलते हैं इसको, मैं नहीं खाऊंगा. शैल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा. तो ये इसके स्ट्रक्चर और एग्जांपल हैं. अब देखिए कहाँ पर शैल आता है और कहाँ पर विल आता है, इस बात पे ध्यान दीजिए. फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ क्या आता है? शैल आता है. लेकिन सेकंड एंड थर्ड पर्सन, जैसे यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन. ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन. और इनके साथ क्या आता है? विल आता है. तो यहाँ पे शैल का एक और एग्जांपल देखिए. वी शैल राइट ए लेटर, हम एक खत लिखेंगे. अब हम इनके और यूजेस देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट के. लेट मी इरेज. अब करते हैं यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट. देखिए फर्स्ट पे फॉर फ्यूचर एक्शंस, ऐसे कार्य. फॉर फ्यूचर एक्शंस मीन्स ऐसे कार्य जो भविष्य में संपन्न होने वाले हैं, उनके लिए फ्यूचर इंडेफिनेट यूज होता है. जैसे कि ही विल अराइव एट 6 o'clock, वो कितने बजे आने वाला है? 6 o'clock आने वाला है. तो ये कार्य कब संपन्न होने वाला है? भविष्य में संपन्न होने वाला है. तो सेकंड यहाँ पे देखिए, कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में. अब पहले बात करते हैं कंडीशनल कौन से होते हैं. कंडीशनल होते हैं इफ वाले, यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. देखिए इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. If you come here, अगर तुम यहाँ आते हो, I shall help you, मैं तुम्हारी help करूँगा. तो इसमें ये कौन सा है? If वाला, ये conditional clause है.
और ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्लास है। तो ये जो प्रिंसिपल क्लास है ये कभी आगे भी हो जाता है और इफ यू वाला पीछे भी हो जाता है। देखिए जैसे होगा कि आई शेल बी हैप्पी इफ यू का, मैं खुश होगा अगर तुम आते हो। तो इस अगला देखते हैं हम फॉर बाय यूजिंग प्रेजेंट इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट जो है उसका भी फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी बताया था कि ये फ्यूचर को बताता है और मैं इसे यहाँ पर दोबारा बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। जैसे वी स्टे देयर फॉर टू डेज, हम रुकेंगे वहाँ दो दिन के लिए। जैसे आप कोई जर्नी प्लान करते हो घर से और अभी आप कहते हो कि हम यहाँ से 4 बजे निकलते हैं, हम वहाँ 8 बजे पहुँचते हैं, फिर हम इतने बजे लंच करते हैं, तो प्लान कहाँ कब कर रखा है आपने, पहले से ही कर रखा है। तो इसलिए ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, फ्यूचर को बताता है कि हम ऐसा करेंगे। वी स्टे देयर फॉर टू डेज, हम वहाँ 2 दिनों के लिए ठहरेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, आवर पार्टी लीव फॉर आगरा टुमारो मॉर्निंग, हमारी पार्टी वो जो है वो किसके लिए, आगरा के लिए कल सुबह निकलेगी या कल सुबह निकलेगी, लीव फॉर। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय यूजिंग गोइंग टू। गोइंग टू जो है वो फ्यूचर को बताता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए जैसे कहते हैं कि आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, सपोज आपकी मम्मा आपको कहती है कि बेटे आप पढ़ लो, लेकिन उस टाइम आप क्या करते हो, मनी उठाते हो और क्या कहते हो, आई एम गोइंग टू बाई ए पेन, मैं खरीदने जा रहा हूँ। मतलब जो अभी अभी एक्शन जो होने वाला है, अभी आप नियरेस्ट फ्यूचर अभी करने जा रहे हो, वहां पे आप यूज करते हो गोइंग टू। अभी जैसे आप कहते हो आई शैल बाय ए कार, उसका मतलब है आपका एक ड्रीम है, ये नहीं पता भविष्य में कब खरीदने वाले हो उसको, लेकिन आप कहते हो कि आई शैल बाय ए कार। लेकिन फिलहाल आप अगर कोई काम अभी करने जा रहे हो कि आई एम गोइंग टू बाय ए पेन, मैं एक पेन खरीदने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होता है कि इतने में जाऊंगा, इतने आके मेरी मम्मा ये बात भूल जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ और यूसेज देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग अबाउट टू। अबाउट टू, अबाउट का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, लगभग। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि ट्रेन निकलने वाली है, तो ट्रेन लगभग चलने वाली है। तो इस तरह का जब हम ये सेंटेंसेस रीडिंग में भी करते हैं ना, तो इनका मीनिंग हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए। हम अबाउट को यूज करते हुए कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो इसका यूज जो इस तरह से आता है टू के साथ, तो इसका मतलब ये करिए होने वाला है। जैसे आई एम अबाउट टू लीव, कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, और द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट है बाय यूजिंग इज एम आर प्लस टू प्लस पी वन। तो इनके साथ जब टू लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी किसको इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। जैसे ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क, वो क्या है, वो अपना पूर्ण करने वाला है, कौन, अपना कार्य, वह अपना कार्य पूर्ण करने वाला है। शी इज टू सिंग ए सॉन्ग, या वह एक गाना गाने वाली है, वह उसे एक गाना गाना है। इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है कि उसे एक गाना गाना है। तो ये सारे जो होते हैं ये फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं फ्यूचर को बताते हैं। और विल और शेल का जो बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत अच्छा यूज होता है, वो मोडाल्स में होता है। और टेंसेस के बाद जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होने वाला है वो मोडाल्स है, और मैं आपको ये बहुत अच्छे से करवाऊंगी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था फ्यूचर इनडेफिनिट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। बाय बाय।